play with my heart. Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. What's up my superhumans, this is Dhruv, Dhruv Pathak. आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके साथ कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करूंगा. वो एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि मुझे फिर से एक बार मौका मिला है अंडर 11 और अंडर 17 का कोच बनने का. सो इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी. सो आज शाम को टीम जा रही है, जो कि मेरे साथ कुछ अदर कोचेज भी हैं, जैसे कि मोहित सर और सुमित सर. तो मैं पैकिंग कर रहा था, तो मुझे पैकिंग करते टाइम मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक और बैग की ज़रूरत है. तो मैं वही बैग ढूंढने आया हूँ. शायद मुझे लगेज बैग यहाँ पर अच्छा मिल जाए. अगर यहाँ पर मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ से ले लूँगा. दिस इज द सेम बैग जो मैं इनकी ऑनलाइन साइट पर देखा था, डेकाथलॉन की ऑनलाइन साइट पर. और इसका प्राइस भी मुझे ठीक लगा. और मैं एक बार मैं ऑनलाइन भी ले नहीं सकता था, क्योंकि वो आ जाता पर उसमें टाइम लगता. पर मुझे तो आज रात को ही निकलना है, तो इसलिए स्टोर आगरा में ही है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आगरा में स्टोर है इसका. तो मैं अक्सर शॉपिंग यहीं से कर लेता हूँ स्पोर्ट्स की. और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक लग रही है. और जो लार्ज है, जो कि मेरे स्केट्स, मेरी सेफ्टी किट जब मैं टूर्नामेंट में जाया करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टूर्नामेंट में ले जाती हैं, तो ऑलमोस्ट उसका मटेरियल तो अच्छा ही है, तो उसको मैं ले सकता हूँ. तो हाँ, मैंने इसको डिसीजन लिया है लेने का. और इसका प्राइस है 899. तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बढ़िया है ना. मैम, इस बैग के अंदर ये ग्रीन कलर का एक बैग और था, ऑनलाइन शो हो रहा था, तो ग्रीन कलर में अवेलेबल है. ये जो ब्लैक कलर बैग रखा हुआ है, मैं ऑनलाइन दिखाऊं? हम यहाँ पर आए, यानी कि डेकाथलॉन में आए, और टीटी का भी खेल है ना, ऐसा होता ही नहीं है. मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे 2 मिनट या 3 मिनट ही खेलें, पर खेलते जरूर. Exciting. मेरा पॉइंट हो गया के अंदर. ये ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होगा, क्योंकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इसमें हम अपनी टीम्स को लेके जा रहे हैं अंडर 11 और अंडर 17 की, आगरा से मुरादाबाद. यानी कि आज रात को हम 11 बजे निकलेंगे मुरादाबाद के लिए. अंडर 11 और अंडर 17 की बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम इकट्ठी होगी, और एक बस में हम सभी साथ मिलकर जाएंगे. तो वो पूरी जर्नी कैसी रहेगी, एक्साइटिंग होगी, और उसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा. बट आपने देखा कि आज आप देखेंगे किट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने प्लेयर्स को किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और साथ ही साथ मुझे भी ये किट मिली है एज अ कोच. तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मुझे एज अ कोच बनने का मौका मिला है अंडर 11 और अंडर 17 की टीम का. Yes, you never really cared because you said your parents never gave you heart, and as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You like to open sky. तो मैं अपने बैग के साथ तैयार हो चुका हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11:30 बजे हमें जाना है
बस के पास, अपनी टीम के पास मैं रेडी हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे टूर किए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बट उसका जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग होता है। बट हमेशा अपने चैंपियनशिप्स में जाने का एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग होता है, और जब मैं खेलता हूँ वो वाला एक्साइटमेंट तो वो डिफरेंट होता है। तो मतलब टूर्नामेंट्स में जाना मेरे लिए हमेशा से बेहतरीन मोमेंट्स रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई। तो इतना छोटा सा त्रिशूल मिले, तीली कितना? उसकी डंडी है ना, जैसे माचिस की तीली होती है ना, ऐसी हो, बहुत छोटा सा त्रिशूल, और उससे भी बारीक हो तो और अच्छा है। मतलब बिल्कुल पतला, माचिस की तीली से भी पतला त्रिशूल मिले, इतना छोटा सा। ओके, इट्स टाइम टू लीव होम एंड आगरा। ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो चैनल चैनल सब्सक्राइब।